नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार। डॉक्टर साहब पारस HMRI में गैस्ट्रो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से आज इन संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं, एक पेट और आंत की समस्या में एक हार्निया एक प्रॉब्लम है लोगों में, जो हार्निया हो जाती है तो हार्निया कितने प्रकार का होता है और इसका इलाज कैसे आप लोग करते हैं? क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आया है उससे हर्निया का इलाज आप लोग कैसे आसान कर दिया है, हर्निया का इलाज आपने? हर्निया जैसे हमारे पेट में कई सारे लोकेशंस पे नॉर्मल वीक स्पॉट्स होते हैं, तो उन अगर किसी आप मरीज़ को लगातार पेट का प्रेशर बढ़ा रहता है, जैसे कि उसको लगातार कब्ज़ है, लंबी ड्यूरेशन से खांसी है या फिर ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा है जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो उन जगहों पे मरीज़ को हर्निया बन सकता है। हर्निया आउट पाउचिंग होता है, नॉर्मल वॉल का वहाँ डिफेक्ट होता है। तो अब हर्निया कॉमनली बात करें तो जो सबसे कॉमन है वो होता है इंग्वाइनल हर्निया, जो हमारे जो ग्रॉइन में होता है, तो ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन मिलता है, यंग एज में कम कॉमन मिलता है। उसके अलावा अगर जैसे हम लोग कहें कि किसी को ऑलरेडी एक ऑपरेशन हुआ है और उस जगह पे वापस जो है उसको सूजन आ रही है, तो उसको इनसीजनल हर्निया कहते हैं। एक हर्निया होता है जहाँ हमारी नाभि है, नाभि वहाँ पे वीकनिंग आ जाए तो उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो कि इनिशियली काफ़ी कॉमन बच्चों में मिलता है और वो अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन एडल्ट एज में भी जैसे किसी को लीवर की बीमारी है या फिर कोई बहुत मोटापे के मरीज़ है शिकार है, या किसी को जैसे मैंने आप और कारण बताया कि लगातार कफ हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, तो उसको भी अम्बिलिकस में नाभि में छेद जैसा बन जाता है, वहाँ से सूजन आ जाती है, तो अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा रेयर हर्नियाज भी हैं, फीमोरल हर्निया, जैसे हम लोग का जहाँ हमारा पेट और छाती अलग होता है वहाँ पे एक मसल होता है, इसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम में हर्निया हो जाता है और जो हम नॉर्मल खाने का रास्ता हमारा उस डायफ्राम को पियर्स करके आता है, पेट से जुड़ता है, वहाँ पे हाइटस हर्निया कहते हैं। उस हाइटस मतलब ओपनिंग, वो एक नॉर्मल ओपनिंग होती है जहाँ पे प्रेशर के कारण वो भी उसमें पेट ऊपर जाने लगता है छाती में, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको हर्निया के कारण जो मूल कारण है वो बता दिया और जो कॉमन टाइप के हर्निया हैं, उसके अलावा कई सारे हर्निया होते हैं, लंबर हर्निया। तो बेसिकली जो हमारे पेट का लेयर है उसमें कहीं भी डिफेक्ट होगा और वहाँ से कुछ बाहर सूजन जैसे आ रहा है, जो खांसने पे बल्ज होता है, लेटने पे अपने आप ख़त्म हो जाता है अर्ली स्टेज में, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हर्निया हो गया है, मरीज़ को डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। अब बात हुई सर्जरी, जब भी पहले स्टार्ट हुई थी तो चीरे मेथड से ही स्टार्ट हुई कि हम चलो चीरे से हर्निया का इलाज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ और फिर लोगों ने कहा कि दूरबीन की टेक्निक आ गई है तो हम दूरबीन विधि से हर्निया का इलाज करें। अब अल्टीमेटली फिर ये बात होती है, कोई भी टेक्निक चेंज करने के पीछे कारण क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि हम चीरे से नहीं दूरबीन से ही कराएं? तो उसके लिए मरीजों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दूरबीन विधि से जो हर्निया होता है, चाहे वो इनग्वाइनल हर्निया हो, आपका इनसीजनल हर्निया हो, हाइटल हर्निया हो, इन सारे हर्निया में कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता। चीरा जैसे किसी को चीरे के बाद हर्निया हो गया उसको इनसीजनल हर्निया कहते हैं, चीरा लगाने से पेट में हर्निया बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बेनिफिट हुआ कि इनसीजनल हर्निया में रिकरेंस रेट कम हो जाएगा अगर दूरबीन से किया। इनग्वाइनल हर्निया में क्या फ़ायदा होता है, जैसे नॉर्मल चीरे से आप हर्निया का इलाज करवाएंगे, बूढ़े लोगों ने देखा होगा कि यहाँ चीरा लगा हुआ है, हर्निया हुआ है, उसका इलाज, तो मरीज़ को 3-4 दिन तक तो दर्द रहता है, 5-7 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगा होता है और मरीज़ ऑपरेशन के अगले दिन चल फिर के खुद से काम नहीं कर सकता। तो फिर ये हुआ कि लाओ इसको दूरबीन विधि से किया जाए। तो दूरबीन विधि में भी दो टेक्निक होते हैं इनग्वाइनल हर्निया रिपेयर के लिए, एक कहते हैं TAPP, ट्रांस एबडोमिनल प्रीपेटोनियल, जिसमें हम पेट के अंदर जाते हैं और पेट के अंदर से जाके ऑपरेट करते हैं, और एक होता है टोटल एक्स्ट्रा पेटोनियल, जिसमें हम जैसे हमारे मसल के जो लेयर्स हैं जहाँ पे हर्निया बना हुआ है उन मसल के लेयर्स के बीच के में जाते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग एक जाली डाल के आ जाते हैं। तो ओपन, TAPP, TEP, तो ये एडवांसमेंट्स हैं। सबसे एडवांस हो गया आज के टाइम में TEP रिपेयर। उसमें बेनिफिट ये है कि जैसे हर्निया में हम लोग देखते होंगे ओपन भी करेंगे तो जाली को लगाए तो उसको फिक्स करने के लिए धागे लगाने पड़ते हैं, तो दूरबीन विधि से उसको हमको फिक्स करने के लिए टैकर कहते हैं, जो क्लिप्स होते हैं स्पाइरल, वो लगाने पड़ते हैं। तो जितनी जगह पेट के अंदर वो क्लिप घुसेगा उतनी जगह पोस्ट ऑप में मरीज को ऑपरेशन के बाद पेन होगा, 10 जगह लगा तो 10 जगह पेन होगा। तो टोटल एक्स्ट्रा पेटोनियल रिपेयर में वो
सबसे पहली बात तो ट्रैकर का ही यूज़ नहीं है। सिंपल हम लोग गए, जो हमारा नॉर्मल प्लेन है उसको आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे जगह बनाई, हर्निया को देखा, रिड्यूस किया और वहाँ जाली डाल के आ गए, कोई ट्रैकर नहीं, कुछ भी नहीं। तो मरीज़ अगले दिन खुद से चल के अपने घर जाते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया इनवाइनल हर्निया का। अब जैसे मैंने आपको दूसरा हर्निया बताया इनसीजनल, जैसे कि चीरा लगा हुआ था और उसमें हर्निया हो गया, तो इसमें भी पेट के अंदर जाके जो ऑपरेशन करते हैं उसको आईपॉम कहते हैं, और जो मसल लेयर्स के बीच में जाके करते हैं उसको ई टेप कहते हैं, टोटल एक्स्ट्रा पेडियल रिपेयर। दोनों टेक्निक ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ, एक टेक्निक आपको कंपैरेटिवली कंज्यूमेबल्स, जो जाली और टैकर मैंने आपको बोला, वो पेट के अंदर जाके लगाने पे वो महंगा होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग हम लोग को करवाना पड़ता है, जिसके जो जाली की कॉस्ट को 5,000 से 30,000 कर देती है, अगर पेट के अंदर गए आते जाली में नहीं चिपकनी चाहिए तो वो कोटिंग होती है, उसके कारण महंगा हो जाता है। और जो टैकर हमारा इंस्ट्रूमेंट लगभग वो 20-25,000 का पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, तो पेन कम हो जाएगा, टैकर का यूज़ नहीं होगा, सस्ता भी हो जाएगा, तो TEP विधि आया, जिसमें हम लोग बस जगह बनाते हैं, धागे से उसको क्लोज करते हैं और जाली को डाल के आ जाते हैं। तो इन सारे विधियों में क्या है, मरीज़ को पेन सबसे कम होगा। ओपन में सबसे ज़्यादा पेन है, दूरबीन वाले में थोड़ा कम पेन होता है, लेकिन टोटल एक्स्ट्रा पेटोनल रिपेयर में तो सबसे कम पेन है। उसके अलावा फिर आप बात करेंगे डायफ्राम का हर्निया क्या होता है, छाती और पेट को एक मसल का ट्यूब सेपरेट करता है, तो बाय बर्थ भी हो सकता है, जैसे वो जब बच्चा पेट के अंदर होता है तभी वो लेयर बनता है, उस वक्त बनने में डिफेक्ट रह गया, तो कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया वो बच्चों में प्रेजेंट होता है। एडल्ट्स भी कई बार जो है उस आते हैं जिसमें ये पाया जाता है कि एक्सरे कराया, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, एक्सरे कराया, देखा कि जो है हमारा पेट की चीज़ें छाती के अंदर हैं, तो पता चला फिर आगे जांच करा के उनको जो है डायफ्रामेटिक हर्निया है उस साइड का। तो ये सारी चीज़ों का भी हर्निया का हम लोग के पास दूरबीन विधि से इलाज उपलब्ध है, और वही दूरबीन में एक तो सबसे बड़ी बात है चीरा नहीं लगता, हम लोग छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डाल के ऑपरेट करते हैं, और मरीज़ का रिकवरी, जैसे आप कहें कि हम मरीज़ को अगले दिन ही हर्निया के मरीज़ को उसके घर भेज सकते हैं, वो अस्पताल में आया, उसने जाँचें कराई, ऑपरेट कराया दोपहर में, और नेक्स्ट डे वो अपने घर जा रहा है, ये चीज़। तो ये बेनिफिट है हर्निया का दूरबीन विधि से। और ये हो गया जो रेयर हर्निया, उनके बारे में बोलने का बस यही है कि मरीज़ को अगर कभी किसी भी जगह ऐसा सूजन आ रहा है जो लेटने पे कम हो जाता है, खांसी करने बढ़ता है, तो उनको ये मानना चाहिए कि हर्निया हो सकता है और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताएं जो हर केस में क्या ऑपरेशन ही एक उपाय है या दवा से भी आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, हर्निया एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑपरेशन ही एकलौता उपाय है। हर्निया जब वो बन गया तो इनिशियली छोटा डिफेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे, अब उसमें से आते जा रही हैं, आ रही हैं, फिर डिफेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जो अर्ली स्टेज होता है ना हर्निया बनने के बाद, उस स्टेज में आंतों के फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग कई बार आता है मरीज इमरजेंसी में कि हर्निया था अब अंदर नहीं जा रही आंतें, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। मरीज़ आने में अगर देर कर दिया, मान लीजिए आज फंस गई और वो घर पर वेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कम होने का, 12 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, तो वो आंतों की जो आंतें अंदर फंस गई हैं ना, उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, आते सड़ जाती हैं, वो एक सिंपल ऑपरेशन से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बन जाता है जिसमें 10-15% मरीजों की जान भी चली जाती है। तो हर्निया को इग्नोर नहीं करना, हर्निया अगर बना है वो कभी ना कभी आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ टेक्निक होता है, जैसे कोई बहुत बूढ़े हैं ऑपरेशन नहीं करा सकते या अभी नहीं कराना चाह रहे, तो उसके लिए डिवाइसेस को ट्रस कहते हैं इनगॉइनल हर्निया के लिए, तो उसको या हर्निया बेल्ट यहाँ पे लोग लगा लेते हैं अपने पेट में कोई हर्निया बना हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर हर्निया बना है तो सर्जन को कंसल्ट कराना है और उसका ऑपरेशन ही एकलौता इलाज है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। क्योंकि अगर सिंपल हर्निया है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सर्जिकल रिस्क नहीं, यही वह कॉम्प्लिकेट हो गया, इंटेस्टिन फंस गई, तो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और एक सिंपल ऑपरेशन से ऐसा ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें चीरा भी लगाना पड़ सकता है, आंतें भी काटनी पड़ सकती हैं, लैटिन ग्रास सब बनाना पड़ सकता है। तो हर्निया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये दवाई से सही नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे हर्निया का इलाज कैसे होता है। अमूमन दवा से बिल्कुल आप इलाज नहीं करवाएं, अगर हो गया है तो सर्जन के पास ज़रूर मिले, आप इनका इलाज करवा सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, इसका इलाज ज़्यादा महंगा है नहीं, बल्कि इग्नोर बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप बिल्कुल परेशान रहेंगे। तो आप बिल्कुल इलाज अपना करवाएं और सर्जन से मिले, इनका इलाज हो सकता है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।